हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इस्तेमाल में। दोस्तों ये रेडमी का फ़ोन है, रेडमी का आपका कोई भी फ़ोन हो दोस्तों इस ट्रिक को आप फॉलो कीजिए। यदि आपका मतलब क्या होता है, कॉल करने पर यदि आपकी डिस्प्ले की लाइट बंद हो जाती है तो ये सेंसर प्रॉब्लम होता है दोस्तों। ये कोई भी फ़ोन आपके मोबाइल पर करता है तो आप जो फ़ोन रिसीव करते हैं तो आपकी डिस्प्ले की लाइट बंद हो जाती है, या आप किसी के पास कॉल करते हो तो आपकी डिस्प्ले की लाइट बंद हो जाती है और जब तक नहीं चलती है जब तक फ़ोन कैंसिल नहीं हो जाता है दोस्तों। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है और इसे सेटिंग से कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में बताऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो में बनाए रहना दोस्तों। तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे इनकमिंग कॉल लिखा हुआ, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोमेटिक सेंसर जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे ऑन है। ये दोस्तों यहाँ पे ऑन रहेगा और यदि आपका सेंसर ख़राब रहेगा तो आप किसी के पास कॉल करेंगे या आपका पास किसी का कॉल आएगा तो जब आप फ़ोन रिसीव करोगे तो आपका जो है फ़ोन मतलब ये डिस्प्ले की लाइट बंद हो जाएगी और जब तक नहीं कटेगी जब तक आपका फ़ोन कैंसिल नहीं जाता। तो इसे क्या करना है, यहाँ से ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से आपको डायल करके दिखा देता हूँ अब हमारे डिस्प्ले की लाइट बंद होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे डिस्प्ले की लाइट नहीं बंद हुई है। तो ये छोटा सा ट्रिक है दोस्तों। इस प्रकार से आपकी यदि डिस्प्ले की लाइट बंद हो जाती है तो आप इस सेटिंग को जरूर कर लीजिएगा, आपकी जो है मोबाइल की डिस्प्ले की लाइट नहीं बंद होगी दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।